Welcome dear children, today we will do word problem from exercise 2.5 B part. Well dear children, now this is our exercise 2.4, इसमें word problems हैं. Page number 30 पर आपकी book है, उसमें ये word problems हैं. टोटल इसमें 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन फर्स्ट 6 ही हम करने वाले हैं क्लास वर्क नोटबुक में, बिकॉज ईच क्वेश्चन विल बी अ लेंथी वन. बहुत लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशंस हैं इसके. फाइन चिल्ड्रन, चलिए आज हम करने वाले हैं सिर्फ बी पार्ट. पहले मैंने थोड़ा सा इजी वाला पार्ट लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए. ए पार्ट हम कल कर लेंगे. एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. लेट अस गो टू द वर्ड प्रॉब्लम. क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में? वर्ड प्रॉब्लम में कुछ सेंटेंसेज होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा होता है. उन सेंटेंस में एक क्वेश्चन सेंटेंस वाला होता है, सॉरी एक सेंटेंस क्वेश्चन वाला होता है. उस क्वेश्चन में जो पूछा है वो ही हमें फाइंड करना होता है और हमें उसे कैलकुलेट करना होता है. मतलब आपके लिए इंग्लिश भी है और मैथ्स भी है, दोनों ही काम करने हैं. नो प्रॉब्लम, लेट अस गो विद इट. पहले रीड करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है. तो हम क्वेश्चन आइटम नेम को सर्च करेंगे सबसे पहले. क्वेश्चन रीड करने के बाद हम इसमें कुछ अंडरलाइन भी करेंगे और कुछ सर्कल भी करेंगे. तो आपको ध्यान ये देना है कि मैडम किस चीज़ को अंडरलाइन कर रही है, किसको सर्कल कर रही है. लेट अस गो. अ स्कूल कैंटीन सोल्ड 397 स्वीट्स ऑन मंडे एंड 290 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे. फुल स्टॉप आ गया. फुल स्टॉप आ गया यानी कि ये एक इन्फॉर्मेशन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है. एक स्कूल कैंटीन है और वहाँ पे आप जानते हो कैंटीन में तो कुछ चीज़ें बेची जाती हैं, कुछ सेल होता है और बच्चे खरीदते हैं. सो दैट्स ओनली स्वीट्स आर सोल्ड एंड चिल्ड्रन आर बाइंग. दे ऑल्सो सोल्ड 35 पैटीज एंड 42 चिप्स ऑन मंडे. चलिए कैंटीन में और क्या क्या बेच रहे हैं. पैटीज भी सेल कर रहे हैं, चिप्स भी सेल कर रहे हैं ऑन मंडे. फुल स्टॉप. अगेन इट इज़ अ फुल स्टॉप, यानी कि अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है. मतलब एक कैंटीन है, उसमें कई चीज़ें बेची जा रही हैं, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन है. नाउ सी अ क्वेश्चन कम्स. अब जब क्वेश्चन आता है तब आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ से हमको क्वेश्चन आइटम नेम कैच करना है. हाउ मैनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल. अब आया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ मैनी स्वीट्स वर सोल्ड. स्वीट्स को मैंने सर्कल कर दिया है क्योंकि ये स्वीट्स ही है जिसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे उनको कैलकुलेट करना होगा. फाइन, अब देखते हैं फिर से. अब दूसरी बार आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता चल गया हमारा आइटम नेम है स्वीट्स. स्वीट्स के बारे में आपको इससे पहले सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे अंडरलाइन करना है. मैंने आपसे कहा था ना आपको क्या सर्कल करना है और क्या अंडरलाइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है. फाइन, स्वीट्स को हमने सर्कल कर लिया, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन आइटम नेम. अब स्वीट्स के बारे में ऊपर के सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन मिले यानी कि उससे रिलेटेड कोई नंबर्स, उन्हें अंडरलाइन करना है. लेट अस गो अगेन टू द क्वेश्चन. अ स्कूल कैंटीन सोल्ड 397 स्वीट्स ऑन मंडे. स्वीट्स के बारे में हमें कुछ मिला है, क्या मिला है? 390 स्वीट्स सेल हो गए हैं मंडे को. फाइन, एंड 290 स्वीट्स ऑन ट्यूसडे. फिर से मिला स्वीट्स के बारे में, फिर से एक इंफॉर्मेशन मिली. क्या मिली है? 290 स्वीट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे. फाइन, हम अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं. तो इन सेंटेंसेस में कुछ नंबर्स हैं, उनको हमें चेक करना है, उन्हीं तो कैलकुलेट करेंगे. फाइन, दे ऑल्सो सोल्ड 35 पैटीज. हमें 35 नंबर मिल गया लेकिन ये तो पैटीज की इंफॉर्मेशन है, हमें तो स्वीट्स की चाहिए, तो ये हमें नहीं चाहिए. 35 पैटीज की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, नहीं करेंगे अंडरलाइन. एंड 42 चिप्स ऑन मंडे. चिप्स के बारे में बताया कि 42 चिप्स सोल्ड हुए लेकिन चिप्स के बारे में तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो हमें उसे अंडरलाइन नहीं करना है. फाइन, अब आ गया आपका क्वेश्चन. हाउ मैनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल. अब देखो मंडे को भी स्वीट सेल हो रहे हैं, ट्यूसडे को भी स्वीट सेल हो रहे हैं, तो अब बताओ स्वीट सोल्ड विल बी मोर और लेस. अब ये आपको क्वेश्चन आंसर करना है, खुद अपने दिमाग से बताना है. मंडे को भी स्वीट सेल हो रही है, ट्यूसडे को भी स्वीट सेल हो रही है, तो स्वीट सेल सोल्ड विल बी मोर और लेस. एंड वी डिसाइडेड दैट स्वीट सोल्ड विल बी मोर. लेस तो नहीं होंगी, मोर हो जाएंगी. Whenever there is collection is becoming more, it is addition. It means this is a word problem of addition. कैसे पता चला? हमने यहाँ पे question पूछा अपने आप को. किसको पूछ रहे हो question? अपने आप को पूछ रहे हो और अपने आप ही answer करोगे
तब आप डिसाइड करोगे। जब आपका जो क्वेश्चन आइटम नेम है वो मोर होता है तो प्लस होता है, और जब लेस होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। ये हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। फाइन, सो वी हैव डिसाइडेड दैट हमको ये दो नंबर्स ऐड करने होंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा है, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। यू कैन सी सम स्टेटमेंट्स आर रिटर्न विद एन एरो इन द मार्जिन। ये एरो का मतलब ये है, ये हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। किन्हीं बच्चों का ये पूरा नए एक लाइन में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको दूसरा नया दूसरी लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन न्यू स्टेटमेंट आप न्यू लाइन से स्टार्ट करोगे तो ये जहाँ भी एरोज हैं वो न्यू लाइन्स में होगी। फाइन, हमने जो चीज़ें अंडरलाइन करी और जो चीज़ सर्कल करी है उन तीनों के लिए हमें लिखने होंगे स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स लिखने का क्या तरीका है, लेट अस सी दैट। मेरे चिल्ड्रन, स्वीट्स यू कैन काउंट और नॉट काउंट। हम स्वीट्स काउंट कर सकते हैं, यस yes. तो जब भी काउंटेबल आइटम्स होते हैं तो हम उसके आगे नंबर लगा देते हैं, नंबर। सो अवर फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी फॉर 397 स्वीट्स। 397 स्वीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये मंडे को सोल्ड हो रही है। वी विल राइट अ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन मंडे 397। ये चीज है जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम रहेगी, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। 397 स्वीट्स के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट अगेन विद एन एरो 290 स्वीट्स के लिए। अब 290 स्वीट्स को क्या कर रहे हैं, ट्यूजडे को सेल कर रहे हैं। सो कम फॉर द स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड ऑन ट्यूजडे इज इक्वल टू 290। तो ये 290 स्वीट्स के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन वाला स्टेटमेंट लिखा है। दो चीजें अंडरलाइन करी है, दोनों के लिए स्टेटमेंट लिखा है। एक चीज को सर्कल किया है उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी स्वीट्स डिड दे सेल इन ऑल। सो हियर द स्टेटमेंट विल बी अगेन विद एन एरो, नंबर ऑफ स्वीट्स सोल्ड इन ऑल क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये ही आपका आंसर होना चाहिए। इसको जो क्वेश्चन मार्क है हम इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन ऐड। कैसे पता चला, ऐड बिकॉज द नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड विल बी मोर। हमने ये यहाँ पूछा था ना, मोर या लेस, तो मोर यानी ऐड। सो वी हैव टू ऐड दिस नंबर्स, थ्री डिजिट के नंबर्स हैं दोनों, थ्री प्लेसेस वाला कॉलम प्लेस वैल्यू चार्ट चाहिए। कम ऑन, वन लाइन वी विल लीव फॉर कैरिड नंबर्स, प्लेस दिस नंबर्स 397, बोथ आर थ्री डिजिट नंबर्स, आप कोई भी किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो एडिशन से आने वाला है। लेट अस ऐड इन द वंस कॉलम, 7 प्लस 0 इज 7, 9 प्लस 9 इज 18, 1 कैरी नंबर, 3 एंड 1 4 एंड 2 6, 687 इज अवर आंसर। लेकिन वेट, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। और वो स्टेटमेंट कैसा होगा, जैसे हमने ये स्टेटमेंट सीखे हैं इसको भी सीख लेते हैं, आंसर लिखेंगे। सो एक वर्ड हमें लगाना है। अब देखो, स्वीट सोल्ड इन ऑल, ये आपका क्वेश्चन था तो यहीं से आप ले लेंगे, स्वीट सोल्ड इन ऑल वर्ड क्वेश्चन मार्क के बदले 687। सो स्वीट सोल्ड इन ऑल वर्ड 687 फुल स्टॉप। सो ओनली वन क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग टुडे, आज पहला दिन है। I will keep you guiding for the next coming days, और आप बिल्कुल सीख जाएंगे, डोंट वरी अबाउट हाउ टू सॉल्व इट। आप ये स्टेटमेंट देखना बिल्कुल सीख जाएंगे। फाइन चिल्ड्रन, थैंक यू।